क्रिसमस का दिन हो और कोई तोहफा न मिले तो बच्चों के लिए इस दिन का क्या मजा रह जाता है। लेकिन अक्टूबर में अमेरिका के मशरकी साहिल पर आने वाले समुद्री तूफान सैंडी से जो खानदान बेघर हुए वो अपने बच्चों के लिए कहाँ से तोहफा लाएंगे, इसकी फिक्र सिर्फ उन्हें ही नहीं बहुत से अमरीकियों को है। और उन्हीं में शामिल है रियासत वर्जीनिया की बायू बेकरी के मालिक शेफ डेविड ग्वास। Although there are many families broken up, अगरचे बहुत से खानदान इस तूफान से मुतासिर हुए हैं, लेकिन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे कि उनके लिए तोहफे क्यों नहीं हैं, या वालदैन के पास तोहफा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? Gifts this year. क्रिसमस के दिन कम से कम एक तोहफा सैंडी से मुतासर बच्चों का भी इंतजार कर रहा हो, यही कोशिश है डेविड और उनके बहुत से कस्टमर्स की। इसीलिए इनके रेस्टोरेंट में जारी है टॉय ड्राइव। ये आसान सा काम है, हमने यहाँ एक डिब्बा रख दिया है और अपने कस्टमर्स और आते जाते लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो एक खिलौना इसमें डाल दें। और शुक्रिया के तौर पर हम उन्हें सैंडीज कहलाने वाली 3 कुकीज का एक पैक मुफ्त दे रहे हैं। मैं इस टॉय बॉक्स के पास इसमें से कुछ निकालने के लिए नहीं बैठी, बल्कि मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, जिसका मतलब है कि लंच टाइम है, विच मीन्स कि हो सकता है कि अगली कुछ ही देर में लंच करने के लिए आने वाले लोग अपने साथ टॉयज़ भी लेकर आएँ। इनफैक्ट मुझे अभी यहाँ पर एक खातून नज़र भी आ रही हैं जो टॉय लेकर आई हैं। I see you are carrying 2 really nice toys. I am. How does it feel to bring something for somebody that you don't even know is living so far from you? I love giving back. It makes me feel really good to know that I'm helping kids in a community. I will not stand between you and your Sandy, so go ahead. Great, thank you. Sure. कुछ लोग यहाँ ला रहे हैं खिलौने और कुछ दे रहे हैं किताबें। I brought 3-4 books today for the toy drive because I think it's a gift of imagination. If it brings happiness to someone else, I'm even happier. शेफ डेविड ग्वास के कुछ दोस्त भी अपने अपने रेस्टोरेंट्स में क्रिसमस से पहले ऐसी ही टॉय ड्राइव्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके और इनके कस्टमर्स के ख्याल में जिंदगी का मजा सिर्फ अपने लिए आसाइशें जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करने में भी है।